सुदेशना प्रणाम। सुदेशना की पाठशाला में एक बार फिर आपका स्वागत, वंदन, अभिनंदन। हमारा आज का विषय है साहस। मित्रों, अदम्य साहस ही संसार को बदलने की, इतिहास रचने की शक्ति रखता है। अपने साहस से सफलता का इतिहास रचने वाली एक ब्रिटिश लेखिका हैं हिलेरी मैंटेल। दो बार बुकर पुरस्कार जीतने वाली वे विश्व की पहली महिला हैं। हिलेरी जब महज 11 वर्ष की थी तब उनके माता पिता में अलगाव हो गया। बाद में जैक मैंटेला नामक व्यक्ति ने उन्हें गोद ले लिया। वे जब महज 20 वर्ष की थीं तब मानसिक रूप से अस्वस्थ हो गईं। दवाओं का दुष्प्रभाव उनके शरीर पर भी पड़ा। सर्जरी और बीमारी के कारण वे मां नहीं बन सकीं। लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, साहस से खुद को मानसिक और शारीरिक विपत्ति से उबारा और लिखने में जुट गईं। उनकी पहली पुस्तक अ प्लेस ऑफ ग्रेटर सेफ्टी 1979 में पूर्ण हुई। फ्रांसीसी क्रांति पर आधारित होने के कारण कोई प्रकाशक उसे छापने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन हिलेरी घबराई नहीं और ना ही उन्होंने लिखना छोड़ा। 1992 में वह उपन्यास छपा और उसे संडे एक्सप्रेस बुक ऑफ द ईयर घोषित किया गया। आगे चल के उनकी पुस्तक ब्रिंग अप द बॉडीज के लिए बुकर अवार्ड की घोषणा हुई और उन्हें एक और बुक बुल्फ हॉल के लिए भी बुकर अवार्ड मिला। एक बुकर अवार्ड में 50,000 पाउंड की राशि मिली। वे इस उपलब्धि पर बड़े आत्मविश्वास और साहसिक लहजे में कहती हैं, खुशी की वजह से अब मैं खुद को 7वें आसमान पर महसूस कर रही हूँ। आप भी ऐसे ही जिंदगी में किन्हीं बाधाओं से हारने की बजाय, परास्त होने की बजाय, कंटकों को दूर करते हुए अपने साहस से, मन और आत्मा की शक्ति से जीवन में प्रगति कीजिए। इसी शुभकामनाएं और आह्वान के साथ आज साहस की पाठशाला को देते हैं विराम। अगली पाठशाला में भी साहस ही होगा हमारा विषय। तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए। सुरेंद्र दुबे सुदेशना यूट्यूब पेज लाइक करना ना भूलिए। सुरेंद्र दुबे सुदेशना फेसबुक पेज भी लाइक कीजिए। बने रहिए सुदेशना के साथ। हम फिर लौटेंगे अगली पाठशाला में आपके साथ।